नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। खबर राजस्थान के उदयपुर से, जहां कोरोना वायरस के दस्तक के साथ ही अब पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब उदयपुर में भी कोरोना वायरस को लेकर एमबी हॉस्पिटल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के ट्राइडेंट होटल में अब उस कमरे को सील कर दिया गया है जिस कमरे में इटली के नागरिक ठहरे हुए थे। आपको बता दें कि जयपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित दो रोगी सामने आए थे, वह उदयपुर भी घूमकर गए। इसकी वजह से यहां के चिकित्सा विभाग सहित होटल कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधीक्षक की माने तो संदिग्ध तौर पर तीन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी ने साफ किया है कि एक तरह से बचाव ही इस बीमारी का प्राथमिक उपचार है, इसलिए सभी को सावधानी रखनी होगी। टोटल तीन लोग उनके टच में आए थे, उन तीनों लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके ऊपर एक नज़र रखी जा रही है कि अगर उनको बुखार आता है, गला खराब होता है, हाथ पांव दर्द, सर दर्द होता है, तो उनके भी सैंपल लिए जाएंगे ब्लड के, और सैंपल को जो वायरल लेबोरेटरीज हैं उनमें टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर उनमें सिम्टम पाए जाते हैं तो जो एंटीवायरल टैमीफ्लू जो स्वाइन फ्लू के अंदर दी जाती है, वही सेम एंटीवायरल ड्रग भी WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से कोरोना के सस्पेक्टेड केसेस में भी दी जा रही है, उसी मात्रा में उसी समय के लिए। और उसके बाद जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे बुखार है तो पैरास्टामोल देना, अगर किसी को और खांसी वगैरह है तो कफ सिरप देना, अगर उसको खांसी ज़्यादा हो जाए और ऐसा सस्पेक्टेड लगे कि न्यूमोनिया हो रहा है तो एक्सरे करवाना, एक्सरे करने के बाद में उनको प्रॉपर एंटीबायोटिक देना, इसकी पूरी तैयारी हमारे पास है। इटली के यात्रियों का एक दल 26 तारीख को उदयपुर में आया था और वो 28 को सुबह तक यहाँ रहा। उस दौरान वो दो तीन पर्यटन स्थलों जैसे सहेलियों की बाड़ी और सिटी पैलेस, एकलिंग जी और नागदा सास बहू का मंदिर, इन स्थानों पर गया और ट्राइडेंट होटल के अंदर रुका था। तो उनमें से अभी कुछ लोग पॉजिटिव आने की सूचना प्राप्त हुई है और उसी के तहत ये जिन जिन स्थानों पर वो गए और जिन जिन लोगों से उनके संपर्क में आए, उन सब लोगों को एहतियात तौर पर उनको डिसइंफेक्शन करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर उदयपुर से, जहां उमराड़ा स्थित RR डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रधानाचार्य डॉक्टर सौरभ सिंह के अभद्र व्यवहार से तंग आकर धरना प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य डॉक्टर सौरभ सिंह को पद मुक्त करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि प्रधानाचार्य उनके साथ अभद्र और दुर्व्यवहार करता है, फीस के नाम पर भी छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके चलते कॉलेज के छात्राओं ने कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्ट्री पहुंचकर कलेक्टर आनंदी जी को ज्ञापन भी सौंपा और छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में अवगत कराया। हमारे साथ प्रिंसिपल सर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, ठीक है। फ्रेशर्स पे या किसी पे भी हमारे को ड्रेस कोड दिया जाता है, उस ड्रेस कोड को कोई वॉयलेट करता है या छोटा थोड़ा सा भी बच्चा इधर से उधर पहनता है ना, हमें डांट पड़ जाती है, औरों को डांट नहीं पड़ती, ठीक है। हम लोगों पे कमेंट्स किए जाते हैं, हमारे पेरेंट्स से बदतमीजी से बात की जाती है, हमें आंसरेबल नहीं है ये, तो कौन आंसरेबल है? प्रिंसिपल आंसरेबल नहीं है तो कौन आंसरेबल है? हमें मैं गलत हो सकती है, बच्चे गलत हो सकते हैं क्या? एक एक बच्चा झेल रहा है इस चीज को, इन दो लड़कियों को रुलाया है कल, इन दोनों को, निशा और सोनल को। हम लोगों की इंसल्ट की गई है, जब मैंने साफ मना कर दिया था कि मेरे पेरेंट्स नहीं दे सकते 2000 रुपए, भले ही 2000 हो कितने हो नहीं दे सकते, तो इंसल्ट की गई कि तुम मुझे मत सिखाओ और हमारा मजाक बना रहे हो, तो यहाँ से जाओगी तो नाम याद रहेगा इस तरह से। हमारे फ्रेंड्स के घर पे कॉल्स की जा रही है, उन्हें बोला जा रहा है कि मैं सही नहीं हूँ, ठीक है, वो लड़कियाँ दंगे कर रही है या दंगे चल रहे हैं या बकवास चल रही है, आप अपने बच्चों को समझाओ, बाहर बैठे हो बदतमीजियाँ कर रहे हैं। हम कौन सी बदतमीजियाँ कर रहे हैं यहाँ पे? हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे और हम में से यहाँ से कोई सा भी नहीं उठेगा, सब बच्चे डर के बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई उठने नहीं वाला यहाँ से। ना कॉलेज से प्रॉब्लम है, ना स्टाफ से प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल से ही प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल से प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को लेके, हर चीज को लेके सिर्फ प्रिंसिपल ही इकलौता ऐसा इंसान है जो हमें उल्टा सुलटा सुनाता है, वो हमें बोलते हैं थर्ड ग्रेड स्टूडेंट हो। अरे हम थर्ड ग्रेड स्टूडेंट है।